Guys, go through last lecture note. If you have any doubts, please ask. Let me know the last part. क्या किया था बेटा हमने? Anyone? केमिकल प्रॉपर्टीज लेकिन क्या किया था प्रॉपर्टीज, कोई रिएक्शंस की थी अभी हमने? ओके चलो ठीक है, सबके पास बुकलेट है बेटा, बुकलेट निकालिए जरा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की। अगर सबके पास हार्ड कॉपी है तो वो लेकर बैठे बेटा, ले लो। बुकलेट ले लीजिए और उसमें होम असाइनमेंट 1 में जाइएगा और क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट करिए। क्वेश्चन नंबर ये क्या बोलते हैं 10th, क्वेश्चन नंबर 10th अटेम्प्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 12th अटेम्प्ट करिए, फटाफट करिए बेटा इसको। एक क्वेश्चन 8 भी करिए आप ना भी। क्वेश्चन 6 8 10 एंड 12 EAS आज करोगे? हाँ बेटा वो अभी करेंगे, पहले कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे सो दैट अपना एप्लीकेशन पार्ट स्ट्रांग हो जाए एंड देन आई विल डिस्कस दोज रिएक्शन। थोड़ा पीछे से कोई आंसर नहीं देखेगा बेटा, वट एवर आंसर यू आर गेटिंग आप उसको शेयर करिए, चैट बॉक्स में लिख दो आंसर, दैट विल बी इनफ। सारे अटेम्प्ट करी सर्विस, वेरी गुड, सारे आंसर एक साथ आप लिखो नहीं तो फिर छूटता चला जाएगा। एक ही आंसर मत दो बेटा आप लोग। हाँ क्विकली आंसर दो बेटा, कोई भी पीछे आंसर नहीं देखेगा।
वेरी गुड ईशान, वेरी गुड। अदर स्टूडेंट्स, नहीं बेटा बुकलेट डिस्कशन नहीं है। बुकलेट डिस्कशन तो तब होगा जब मैं आपको वो दूंगा। अभी कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो अपने नोट्स में आपको कॉपी भी कर रहे हैं, उसका सोल्यूशन भी प्रॉपर बनाना है। वेरी गुड सर्वेश। अर्श वेरी गुड, सयाम वेरी गुड। अगर किसी के पास बुकलेट नहीं है तो किसी से अगर रिक्वेस्ट करे वो ग्रुप पे पिक्चर डाल देगा बेटा। आप चुपचाप मत बैठिएगा, आस्क समवन, कोई ना कोई डाल देगा पिक्चर। गुड हार्ट्स, उबारा है बेटा। श्रुति वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। गुड हर्ष, हर्ष पवार वेरी गुड। वेरी गुड अभी, वेरी गुड। सबने अटेम्प्ट कर लिया बेटा,
शुड आई डिस्कस? एटलीस्ट रीड कर लिया सबने क्वेश्चंस को? चार क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं। यस सर। ओके बेटा, देखो सिक्स क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने बताया हुआ, बट इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ग्राफिकल एनालिसिस हमने की हुई थी, अगर आप रिकॉल कर पाए, हमने ज्यादातर जो मैकेनिज्म्स हैं बेंजीन रिंग, इवन इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स बेंजीन रिंग, तो ग्राफ मोस्टली ऐसे ही बनता है। यहां पर बेंजीन रिंग दिया होता है और उस पे E प्लस अटैक करता है, और फाइनली उसमें से H प्लस बाहर हो जाता है और E कनेक्ट हो जाता है। तो ये आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट, और यहां पर मैंने बताया था कि इंटरमीडिएट आपको ड्रॉ करना है। इंटरमीडिएट में रेजोनेंस होता है, तो रेजोनेंस जब होगा तो पहली चीज तो इसमें कनेक्टेड क्या क्या होगा, एक E कनेक्टेड होगा, एक H कनेक्टेड होगा, और रेजोनेंस यहां से लगा करके यहां तक चलता है, इसीलिए इस तरह का आपको डिजाइन बनाकर देगा। आई होप आप समझ पा रहे हैं। तो यहां से यहां पूरा रेजोनेंस चलता है, रेजोनेटिंग, इसीलिए रेजोनेंस हाइब्रिड आप समझ लो। जस्ट कंपेयर रिएक्टेंट एंड दिस वन, तो आपको रियलाइज होगा कि ई पहले अलग था, अभी अभी जुड़ा दिख रहा है। इसका मतलब है कि यहां पर ई विल बी यू नो पार्शली कनेक्टेड। ये पार्शली फॉर्म्ड आप इसको बोल सकते हो, और डेल्टा प्लस यहाँ, ये अनटच्ड, ये अनटच्ड, ये पार्शियली ब्रोकन बॉन्ड, डेल्टा प्लस यहाँ, एच अपने आप पूरा का पूरा दिखा सकते हो। फिर यहाँ पर क्या है, इसके लिए तुम्हें ये इंटरमीडिएट और प्रोडक्ट कंपेयर करना पड़ेगा। ई तो दोनों में दिख रहा है, इसका मतलब एच यहाँ हट रहा होगा, तो इसमें भी वैसे ये अनटच्ड है, यहाँ डेल्टा प्लस है, यहाँ पर ई आप पूरा दिखा दो Like this, और H को आप H डेल्टा प्लस दिखा दो। ये अब क्लियरली तुम्हें उसने को ऑप्शंस में इसको वन लिखा हुआ है, इसको टू लिखा हुआ है, इसको थ्री लिखा हुआ है, इसको फोर लिखा है, इसको फाइव। तो मोस्टली ग्राफ ऐसा रहता है, थोड़ा बहुत जहां चेंज होगा वहां में तुम्हें लिखाऊंगा, बट मोस्टली ग्राफ ऐसा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है किसकी एंथैल्पी, तो वही एनर्जी आपको बतानी है किसकी सबसे ज्यादा है, तो क्लियरली यहाँ पता चल रहा है कि सेकेंड वाले के लिए जो सेकेंड स्पीसीज है उसका मैक्सिमम एंथैल्पी है। कि कोई बच्चा है जिसको ये समझ में ना आया हो बेटा, एनीवन? इसको दोबारा कॉपी करो। हाँ, ये प्रॉपर सोल्यूशन क्वेश्चन लिखा तुमने और नोट्स में, और ये प्रॉपर सोल्यूशन बनाकर रखो बेटा नोट्स में। आप देखिए, हम सबको ऑब्जेक्टिव है मार्क्स लाना, केवल पढ़ते रहना उससे भी कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैं बार बीच बीच में आपको इस तरह की कई चीजें हर चैप्टर में लगभग कराता हूँ। इसको कॉपी कर लो बेटा सारे बच्चे। डन सर।
यहाँ एक छोटा सा नोट ये लिख देना बेटा, अभी हम लोगों ने याद करो ये चीज डिस्कस की थी प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोपी से, याद है ना? तो प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोपी कहां पर आप बोलना शुरू करोगे? C6H6 और C6D6, और एक और लिख देते हैं C6T6। तो ये तो मालूम है कि जो बॉन्ड होता है, अगर मैं बॉन्ड स्ट्रेंथ यानी कितना स्ट्रांग है वो कंपेयर करूं तो सीटी बॉन्ड स्ट्रॉन्गर देन सीटी बॉन्ड सीएच बॉन्ड। तो आइडियल रेट किसका ज्यादा होना चाहिए? सीएच वाले का, रेट ऑफ रिएक्शन। बट होता क्या है कि आपका जो सीएच बॉन्ड है ये इस स्टेप में ब्रेक हुआ है, ये हाईलाइट कर लेना, सीएच बॉन्ड इज ब्रोकन हियर नॉट इन RDS। तो आप यहां क्या लिखेंगे कि प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड मोस्टली इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन। इसका जो एक्सेप्शन है वो लिख लो, बाकी आप कुछ और करने की जरूरत नहीं है। तो इसका एक्सेप्शन जो आपको याद रखना है वो है सल्फोनेशन। इसमें और डिटेल में बताऊंगा मैं आपको बाद में, बट अभी के लिए बिकॉज क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे हैं और कहीं मिल सकता है आपको क्वेश्चन, सो इट्स बेटर कि आप इसको लिख कर रखो, सल्फोनेशन एंड आयोडीनेशन। तो अगर मैं तुमसे ऐसा पूछूं कि लाइक क्लोरीनेशन, तो आपके लिए रेट क्या होगा बेटा? C6H6 roughly equal to rate C6D6 roughly equal to rate C6T6। मैं तुमसे नाइट्रेशन पूछूं तो नाइट्रेशन के लिए भी यही रेट लिख दोगे, लेकिन अगर मैं तुमसे सल्फोनेशन पूछ लू तो क्या लिखोगे? C6H6 greater than rate C6D6 greater than rate C6T6, है ना? आयोडीनेशन के लिए पूछ लो तो यही लिख दोगे। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, इसको कॉपी कर लो, इस पे बेस्ड कोई क्वेश्चन तुम्हें टेस्ट में भी मिल सकते हैं और एग्जाम में तो मिलने के चांसेस ही है। डन सर, सबने लिख लिया बेटा? यस सर।
देखिए अभी क्वेश्चन नंबर मैंने नेक्स्ट आपको बोला था देखने के लिए, एट्थ वन में बिकॉज क्वेश्चन टॉक्स अबाउट नाइट्रेशन, नाइट्रेशन इज व्हाट, नथिंग बट इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, और ये किस पे डिपेंड करता है बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन। ठीक है, कई बार मैंने आपको बताया फिर भी बच्चे मिस्टेक कर देते हैं कि जब भी कोई एल्काइल ग्रुप बेंजीन के साथ कनेक्टेड होता है, व्हेन एल्काइल ग्रुप इज कनेक्टेड टू बेंजीन, व्हेन एल्काइल ग्रुप इज कनेक्टेड टू बेंजीन देन इट्स इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर इज डिसाइडेड बाय बेटा। बस ये चीज आपको याद है तो बस काम हो गया आपको। तो इसका मतलब CH3 की पावर ज्यादा निकलेगी इस। आप प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे मैंने ये लिखाया तो कुछ बच्चों ने ध्यान नहीं दिया और उन्होंने इसको जनरलाइज करके पावर बता दी, जबकि मैंने क्लियरली लिखा है कि जब एल्काइल ग्रुप बेंजीन से कनेक्टेड हो तब ये रूल लगाना है, वरना तो इंडक्टिव इफेक्ट में पावर होती है, इधर का इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा है, लेकिन ये बेंजीन रिंग के साथ कनेक्ट होने से क्या हो गया कि वो एक हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद दो तीन रेजोनेंस दिखाएगा उसके अंदर, इसीलिए पावर जो है वो बढ़ जाती है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ मेन डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है और इसीलिए वो जो है रेजोनेंस ग्रुप में भी उसको काउंट करते हैं एल्काइल ग्रुप को। ठीक, तो ये हो गया। अब आप इसमें कंपेयर कर लो, ए बी और डी वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर, डी वाला तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, और सी वाला जो है उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन में दो ही अल्फा एच है, और बी वाले में जीरो अल्फा एच है, और ए वाले में तीन अल्फा एच है, तो आपका ए इज द राइट आंसर है ना। तो एट्थ का ए इज द परफेक्ट आंसर, इसको लिख लो बेटा। इवन दो तुम्हें आता होगा फिर भी आप इसको सोल्यूशन बनाकर लिखिए, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए बेटा। सबने लिख लिया बेटा, यस सर। देन आई गेव यू क्वेश्चन नंबर 10th है ना। सो इसमें भी सेम मैनर में सबसे पहले आपको ये पता करना होता है बेटा, कौन कौन से ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, कौन कौन से ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, और कौन सा ग्रुप कुछ नहीं करता है। तो ये जो OH है ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये कुछ नहीं है, ये है अच्छा ये स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग भी इसको लिख सकते हो, ये क्या है वीकली डीएक्टिवेटिंग है।
आप लिस्ट चेक कर सकते हो बेटा, और ये स्ट्रॉन्गली डीएक्टिवेटिंग है। तो ये क्लियरली आपको पता चल रहा है कि अगर बेंजीन रिंग आप लगाओगे तो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, तो यहां पर जब बेंजीन रिंग आएगी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी मैक्सिमम, तो रिएक्टिविटी भी मैक्सिमम हो जाएगी। तो यू कैन रिलेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विद रिएक्टिविटी लाइक दिस। तो फिर इसमें क्या आंसर हो जाएगा, सबसे पहले तो 4 लिखेंगे, फिर 1 लिख देंगे, फिर 3 लिख देंगे, फिर 2 लिख देंगे, दिस विल बी द रिएक्टिविटी। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू आस्क बेटा। Done? Yes, sir. Okay. Sure. अभी क्वेश्चन नंबर 12 मैंने यहाँ पर आपको दिया था। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है which of the following substituted benzene would furnish 3 isomeric compounds when one more substituent is introduced? जैसे मैं फर्स्ट कंपाउंड पिक कर लूं, तो इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट तो पहले से ही है। वो कह रहा है कि अगर इसमें एक और सब्स्टिट्यूएंट आप डाल दो, तो समझ लो एक और सीएल डाल दिया, तो वो कह रहा कितने ऐसे आइसोमर्स आप बना सकते हो। तो भाई एक सीएल मैं इसके बाजू में डाल सकता हूँ, एक नेक्स्ट पोजीशन पे डाल सकता हूँ, और एक इस पोजीशन पे डाल सकता हूँ। अगर मैं ट्राई करूं कि नहीं घूम के फिर से उधर की तरफ जाऊं, तो क्या ये अलग है या इनमें से किसी से मैच कर रहा है? मैच कर रहा है, तो इसका मतलब ये कंसीडर नहीं होगा। सेम मैनर में ऊपर भी जाएंगे तो नहीं होगा। तो कितने आइसोमर्स यहाँ मिल गए? 3, ठीक है ना। इसी तरह से आप सेकेंड कंपाउंड को पिक कर लो, उसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट्स ऑलरेडी हैं, सो व्हाट विल यू डू, एक और सब्स्टिट्यूएंट ऐड कर लो। तो मान लीजिए कि तुमने सीएल एक और डाला, तो 3 पोजिशन पे वो ऐसे लेके जाएगा, है ना। फिर क्या हो सकता है कि ये यहां पर आ सकता है ना। इसके अलावा और कुछ पॉसिबल है क्या? क्योंकि इधर अगर लेकर आओगे यहां पर ट्राई करोगे तो ये इसी के जैसा है, उल्टा केवल देखो आप, तो ये कंसीडर नहीं होगा। इसका मतलब ओनली 2 आइसोमर्स। थर्ड कंपाउंड पिक कर लो आप, थर्ड ऐसा दिया हुआ है, तो कह रहा है एक और सीएल डालोगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इसमें एक सीएल यहाँ पर, एक सीएल तो मैं बीच में एक सीएल डाल सकता हूँ, दैट इज वन पॉसिबिलिटी, राइट। आई कैन प्लेस वन सीएल हियर, दैट इज अनदर पॉसिबिलिटी,
आई कैन प्लेस सी एल लाइक दिस 1, 3, 5 पोजिशन में, इसके अलावा नहीं पॉसिबल होगा। आप करके देख लो, फिर रिपीट हो जाएगा वो। तो यहाँ 3 आइसोमर्स आ गया। फिर फोर्थ वाले में ये तो मुझे लगता है ज्यादा ही सिमेट्रिकल है, इसमें अगर तुम ट्राई करोगे तो बिलीव भी एक ही पोजिशन पॉसिबल है। Why? Because ये आइडेंटिकल पोजिशन है, इस सी एल के बगल में, इस सी एल के एक जैसा, इस सी एल के एक जैसा भी एक जैसा, तो इसके लिए कितने आइसोमर आ गया? 1, यहाँ पर ओनली 1। सो फिर इसमें आंसर्स क्या होंगे? करेक्ट कोड्स 1 और 3, इसका मतलब D इज द राइट आंसर। कॉपी कर लो बेटा इसको। If you have any confusion, you ask, huh? आंसर लिख लिया बेटा? 1 मिनट सर। डन सर। एक क्वेश्चन होम असाइनमेंट 1 का 17 और करना, और होम असाइनमेंट 2 का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ये मानकर चलिए कि आपने जैसे कुछ पढ़ा और एडवांस में यू गेट अ न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये उनमें से एक है कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि तुमने ये ठीक से पढ़ा कहाँ पर है, बट ये कॉन्सेप्ट तुम्हें मालूम है, तो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसका आंसर आप पीछे मत देखना, अपने आप निकालने को ट्राई करना। अगर ये आ गया तो इसका मतलब तुम्हारी प्रिपरेशन ठीक ठाक डायरेक्शन में जा रही है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। फिर एक ठीक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, उसको भी अटेम्प्ट करिएगा।
सो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, और इसमें एक क्वेश्चन और मुझे देना था, क्वेश्चन नंबर 23। ये अटेम्प्ट करिए बेटा, चार इनको क्वेश्चन को कॉपी भी करना है एंड इनका सोल्यूशन जब मैं डिस्कस कर लूं उसके बाद उसमें लिखिएगा, उससे पहले रफ में कर लेना।
वेरी गुड ईशान। हर्ष वेरी गुड। सायम वेरी गुड। सर्वेश वेरी गुड। हर्ष वेरी गुड। कुशल्स वेरी गुड। फटाफट अटेम्प्ट करिए बेटा सारे बच्चे। निर्वेद वेरी गुड। सिद्धार्थ वेरी गुड। सभ्या वेरी गुड। निशान वेरी गुड। अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो क्विकली अटेम्प्ट। चलिए डिस्कशन कर लेते हैं मैडम, अभी हमें कोई वो रिएक्शंस भी करनी है। चलिए तो पहले 17th क्वेश्चन जो HA1 का है वो तो बहुत इजी था, ऑलरेडी मैंने इसका डिस्कशन किया है। देखो फाई मतलब फिनाइल, अगर दिया भी नहीं होता तो भी आपको मालूम होना चाहिए कि जो फाई है उसका मतलब ये बेंजीन रिंग होता है ग्रुप के फॉर्म में, फिनाइल। ठीक है, तो बहुत सिंपल, सब में आपने अल्काइल ग्रुप लगा रखा है, 4 कंपाउंड्स आर गिवन, तो फंडा वही है ना। इसके पास 3 अल्फा एच है, यहाँ पर ये जो डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन होता है ना उसके एच को यहाँ पर अल्फा एच मानते हैं, तो यहाँ पर 2 ही है, तो क्लियर कट पता चल रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर बेंजीन रिंग सबसे ज्यादा होगी, तो 1 > 2 > 3 > 4 ये सिंपल आंसर हो जाएगा, दैट इज गिवन इन ए। तो 17th के लिए आपका ए आंसर हो गया, लिख लो इसको, तो आप सेकंड में लिख लोगे।
अब क्वेश्चन नंबर फाइव देखो, एज आई टोल्ड यू क्वेश्चन नंबर फाइव बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Why did I say कि ये नया सा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। तो मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया था, इफ यू रिकॉल मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ये वाला। नॉट ओनली दिस आई गेव यू अनदर एग्जाम्पल सिनेमिक एसिड, सब सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। अगर आप में से कुछ बच्चों ने ये सोच लिया होगा तो बहुत अच्छा हुआ, इसका मतलब सब राइट डायरेक्शन आपके लिए जा रहा है। ये सारे ये सिनेमिक एसिड है, पॉपुलर एग्जांपल है, मतलब कंपाउंड अपने सिलेबस में है, सिनेमाल्डिहाइड है ये, और ये एक ऐसे ही मैंने आपको नाइट्रो ग्रुप के साथ दिया था। इसमें क्या खास बात थी कि ये ग्रुप जो है ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। क्यों डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है? बिकॉज एंड पे NO2 लगा है, NO2 कीप्स ऑन विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज व्हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन रिंग डिक्रीज, इसीलिए इसकी रिएक्टिविटी कम है। लेकिन ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, क्या तुम्हें याद है बड़ा किसी को भी ये सब कॉन्सेप्ट? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर हो जाता है बिकॉज ऑफ ये जो बीच में डबल बॉन्ड है ना ये। तो हम लोगों ने क्या बोला था यहाँ पर कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सी डबल बॉन्ड सी स्टार्ट मूविंग इन विच डायरेक्शन, बेंजीन रिंग, इसीलिए ये पूरा ग्रुप क्या बन जाता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। आई होप यू रिमेम्बर दिस कॉन्सेप्ट। अब सोचिए ये क्वेश्चन बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। उन्होंने क्या किया, दे हैव जस्ट रिप्लेस्ड दिस सी डबल बॉन्ड सी विद अ बेंजीन रिंग, बाकी सब वही है, ये जो बीच का ये है डबल बॉन्ड के बदले उन्होंने ये लिख दिया, उससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है भाई। यहाँ डबल बॉन्ड था वो इधर उधर इलेक्ट्रॉन्स अपने भेज सकता था, अब ये बेंजीन रिंग ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट राइट में कहीं भी भेज सकता है। तो ओवरऑल अगर इसको तुम देखोगे इस पूरे ग्रुप को, तो ये इस बेंजीन रिंग के लिए किस चीज का काम करेगा? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का। लेकिन अगर इलेक्ट्रोफाइल पिक्चर में आएगा तो अटैक कहाँ होगा? ऑर्थो पैरा पे, इसीलिए इसको बोलते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। अब ऑर्थो और पैरा दोनों पोजीशंस में मेजर कौन सा होगा? तो ये अपने आप में एक बल्की ग्रुप है, कोई भी उठा लो चारों एग्जांपल्स में वही बल्की ग्रुप है। तो ये जो पैरा पोजीशन होता है ना ये, इसको बोलते हैं लीस्ट क्राउडेड। तो अगर इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो कहां जाएगा बेटा? उस पैरा पोजीशन पे। इस तरह से ये आंसर आप लिखते हैं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मेरा पॉइंट। तो ये इसीलिए अच्छा क्वेश्चन है कि ये नया हुआ आपके लिए, उन्होंने एग्जैक्टली ये नहीं पूछ लिया आपसे, है ना, जो हमने क्लास में किया हुआ थोड़ा चेंज हुआ। तो अगर आपका ब्रेन वर्क किया इस लेवल पे तो इसका मतलब आप सही ट्रैक पे हो, और अगर नहीं है तो इसका मतलब आप रिवाइज करिए चीजों को, वरना इतना पढ़ने के बाद अगर आप इस पे नहीं पहुंच पाएंगे तो एडवांस आपके लिए टफ है। तो ये एडवांस लेवल का एकदम परफेक्ट क्वेश्चन था कि इट्स नॉट अबाउट डिफिकल्टी, इट्स अबाउट न्यू। तो नई चीज उन्होंने पूछी, चेंज करके पूछा, कॉन्सेप्ट वही था। अगर आपने सोच लिया तो बहुत बढ़िया, इसको कॉपी कर लो बेटा, इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। सर, यस बेटा, सर वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है तो मेटा डायरेक्टर नहीं होना चाहिए? यही चीज तो समझाई गई है बेटा, तुम समझ नहीं रहे हो। यही चीज तो मैंने समझाया, ये तीन एग्जांपल लेके कैसे समझाया कि ये खास कंपाउंड खास स्पेशल है, ये स्पेशल ग्रुप्स हैं, ये स्पेशल ग्रुप्स इसलिए हैं कि ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, उसके बावजूद ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। तो क्यों ऑर्थो पैरा डायरेक्टर? ये समझाया कि इसका जो बीच का हिस्सा है ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा इस तरफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करा रहा था क्योंकि NO2 डिमांड कर रहा था इलेक्ट्रॉन्स की, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने के लिए आया इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिड्यूस हुई, पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करने लगे, इसलिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टर हो गया। तो ये स्पेशल चीज है, स्पेशल चीज समझाई गई है, ये कोई रट्टाफिकेशन वाला थोड़ी ना है।
कि बोर्ड एग्जाम जैसा हो गया कि ऐसा है तो ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं है। इसलिए तो स्पेशल बोला, अच्छा क्वेश्चन बोला। क्यों अच्छा बोला? अगर हर बच्चा कर लेगा तो सब बच्चे जी एडवांस नहीं क्वालिफाई कर लेंगे। तो ये स्पेशल, गुड, ये सब वर्ड्स कहाँ आते हैं क्वेश्चन के लेवल? जब आप उस लेवल पे पढ़ाई कर पाओगे। तो रट्टाफिकेशन नहीं करना है कि डीएक्टिवेटिंग है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर नहीं होगा, मेटा डायरेक्टर होगा। अरे भाई, डीएक्टिवेटिंग वाला तो सीएल वाला ग्रुप भी है, वो भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, उसको भी अलग से पढ़ाया गया है। अब आप सोचिए किस लेवल पे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं कि हमने ये पढ़ भी लिया, उसके बावजूद तुमने ये क्वेश्चन रेज कर दिया कि ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है तो मेटा डायरेक्टर होना चाहिए, जबकि एग्जैक्टली ये एग्जांपल्स हमने को अच्छे से पढ़े लिखे, फिर भी तुमने ये सवाल कर दिया। सारे बच्चे इस सोल्यूशन को अच्छे तरह से लिखे बेटा। और अगर रटना ही है तो कुछ ऐसा अपना खुद का एक सेंस बनाओ कि क्या क्या रटे। तो इसमें खास बात रटने वाली क्या है कि बीच में एक ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जिसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो लेफ्ट और राइट कहीं भी जा सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है दो कार्बन की, ठीक। उसके बाद में एंड पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। इसको ऐसे रट्टाफिकेशन करो कि अगर ऐसे सिचुएशन आएगी तो ओवरऑल ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होगा लेकिन डीएक्टिवेटिंग होगा। तो यहाँ पर भी वही सीन आ गया कि ऐसा एक ग्रुप बीच में लगा हुआ है जिसके पास पाई बॉन्ड है, वो लेफ्ट में भी जा सकता, राइट में भी जा सकता, राइट में उसके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ओवरऑल ग्रुप डीएक्टिवेटिंग होगा लेकिन ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। इसका ऐसा रट्टाफिकेशन कर लो तो वो चलेगा। ने कॉपी कर लिया बेटा? 1 सेकंड सर। ओके, डन सर। सिक्स क्वेश्चन एक नॉर्मल क्वेश्चन है, ये हमने पहले भी इस तरह के क्वेश्चंस किए हैं। उसने मेजर प्रोडक्ट पूछा, इस कंपाउंड का नाम लिखा हुआ है। अब फॉर्चुनेटली उसने देखो यहाँ ऑप्शंस में इस तरह से स्ट्रक्चर बना दिए हैं, तो आप गेस कर सकते हो। बट फिनाइल बेंजोएट बोल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बेंजोएट क्या है, तो उसके लिए आपको बेंजोइक एसिड याद आना चाहिए। बेंजोइक एसिड क्या होता है बेटा? ये इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड।
अब वो कहता है फिनाइल बेंजोएट, दिस इज फिनाइल बेंजोएट, यहां फिनाइल ग्रुप लगा दो C6H5। फिनाइल भी कई बार क्या होता है एग्जाम में इस तरह लिख कर दे देता है, तुम्हारी नजर में खाली यहाँ बेंजीन रिंग दिखाई देती है और गलती से तुम यहाँ अटैक कराते हो, जबकि तुम्हें इसको पूरी तरह से ड्रॉ करना है स्ट्रक्चर को, ये मालूम होना चाहिए कि इस कंपाउंड में कहाँ कहाँ बेंजीन रिंग है, तो हर एक बेंजीन रिंग पे फोकस करना है आपको, एंड देन यू हैव टू चेक विच बेंजीन रिंग इज मोस्ट एक्टिवेटेड, सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो होगा अटैक उसी पे होगा, ये याद रखना। तो अगर मैं इस बेंजीन पे देखूं तो इससे कनेक्टेड कौन है, सीओ ग्रुप है, तो सीओ डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो एज अ रिजल्ट ये हो जाएगा डीएक्टिवेटिंग, यानी इस रिंग के लिए ये डीएक्टिवेटिंग है, तो ये रिंग क्या हो जाएगी, डीएक्टिवेटेड। अब इस रिंग पे फोकस करो, इससे कौन कनेक्टेड, इससे ओ लोन पेयर वाला कनेक्टेड है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एक्टिवेटेड। तो यहां से देखोगे तो ये एक्टिवेटिंग ग्रुप नजर आएगा, समझ रहे हो ना, आपको खाली लेफ्ट राइट का पोर्शन देखना है कि बेंजीन रिंग से जो कनेक्टेड हिस्सा है वो रिंग को एक्टिवेट कर रहा है कि डीएक्टिवेट कर रहा है, अकॉर्डिंगली आपको डिसाइड कर लेना है, ठीक है ना। वरना कई बच्चे इसी में खोए रहते हैं कि ये अब समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये एक्टिवेटिंग है कि डीएक्टिवेटिंग है, तो उसमें ये चीज ध्यान देनी है कि कौन से हिस्से पे बेंजीन जुड़ा हुआ है, अगर बेंजीन रिंग इस हिस्से में जुड़ गया तो ये होल ग्रुप इसके लिए डीएक्टिवेटिंग का काम करेगा, अगर बेंजीन रिंग उधर वाले हिस्से में जुड़ जाए ऐसा तो ये होल ग्रुप इसके लिए एक्टिवेटिंग का काम करेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें जो आपको मालूम चलनी चाहिए, नहीं तो एग्जाम में कंफ्यूज होने में सेकेंड्स लगता है, तो इसका मतलब है दिस रिंग विल बी अटैक, ये मैं आपको सोल्यूशन बनवा रहा हूं, दिस रिंग विल बी अटैक। This ring will be attacked. अब इसमें अटैक कहाँ होगा, पहली चीज है एक्टिवेटिंग है और ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर भी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर अंदर जाएगा तो ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है तो ऑर्थो पैरा में ये जो पोजीशन है फिर से वही चीज लीस्ट क्राउडेड है, तो लीस्ट क्राउडेड है उस पर अटैक करा दो, इसका मतलब है इसने क्या कराया, ब्रोमिनेशन कराया ना, तो उस पोजिशन पे बी आर लगा दो। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन बड़ा, कॉपी कर लो इसको, लिखो जो डिस्कशन में हम लोग यहाँ पर ला रहे हैं उनको, हर एक पॉइंट को आप लिखो कि थियरी ही केवल पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में सॉल्व करना आना चाहिए, सॉल्व करना आएगा तो ही मार्क्स आएगा। कॉपी कर लिया बेटा? यस सर। नाउ यू सी
क्वेश्चन नंबर 23, इसके बाद हम लोग रिएक्शंस का डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 एग्जैक्टली 6 क्वेश्चन जैसा है। इसमें उसने नाम नहीं दिया है, स्ट्रक्चर दे दिया है। अब आप बताओ मेरे को कौन सी रिंग बेटा एक्टिवेटेड है, लेफ्ट वाली की राइट, लेफ्ट या राइट? राइट वाली, बिकॉज ये सीओडी एक्टिवेटिंग है ना, इसके लिए इस रिंग की के लिए ये पूरा ग्रुप डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाएगा, जबकि इधर हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू ये एक्टिवेट कर रहा है इसको, तो ये एक्टिवेटेड होगा। और एक्टिवेटेड के उसमें यहाँ लिख देना है दिस इज लीस्ट क्राउडेड, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर बार पैरा पोजिशन पे ही आएगा, लेकिन इस बेंजीन रिंग के लिए ये बड़ा सा ग्रुप लगा हुआ है एंड दिस इज हेवी ग्रुप, और इसके लिए ऑर्थो पोजिशन क्राउडेड होती है। सब जगह ऑर्थो पोजिशन क्राउडेड नहीं होगी, तो यहाँ पर लीस्ट क्राउडेड पोजिशन पैरा पोजिशन है, इसीलिए आपका मेजर प्रोडक्ट यहीं पर बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस ऑफ फ्यूचर में आपसे गलत नहीं होने चाहिए बेटा, इसको भी कॉपी कर लूँगा। Then, beta, should I remove this? Yes, sir. Chal, back to chemical properties. 12 alkyl benzene के लिए हम लोग कर रहे थे, mainly हमको toluene पढ़ना था. So I will start with the most important reaction. वो है फ्रीडल क्राब्स एल्काइलेशन। अभी कोई सीक्वेंस में जाने की ऐसा जरूरत नहीं है, बिकॉज हम सीक्वेंस में ऑलरेडी बेंजीन के रिएक्शंस पढ़ चुके हैं, 5 रिएक्शंस, उन्हीं को थोड़ा सा एनालाइज करना है एल्काइल बेंजीन के लिए। वी ऑल नो कि एल्काइल बेंजीन इज मोर रिएक्टिव, है ना, ये है। इस पे लेटर से आपने CH3Br का रिएक्शन करा, है ना, AlBr3 ले सकते हैं, AlCl3 ले सकते हैं। अब अगर मैं सिंपली आपसे पूछूं कि बताओ बेटा CH3 क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है कि मेटा डायरेक्टर है, तो योर आंसर विल बी CH3 इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, CH3 इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू वो इलेक्ट्रॉन्स ऑर्थो पैरा पोजिशन पे बढ़ाता है। सो आप सिंपली आंसर क्या लिख दोगे, ये एक प्रोडक्ट बनाओगे और एक प्रोडक्ट आप बनाओगे ये वाला, है ना। अब मैं आपको एक्सपेरिमेंटल डेटा दे रहा हूं, एक्सपेरिमेंटल डेटा 0 डिग्री सेल्सियस पे इसमें ये वाला जो प्रोडक्ट है ये करीब करीब बनता है 54% एंड दिस इज अबाउट 29%, ये जाइलीन है, इसको बोलते हैं ऑर्थोजाइलीन। ये मैं एक्सपेरिमेंटल डेटा दे रहा हूं और इसको बोलते हैं पैराजाइलिन। और इंटरेस्टिंग बात ये कि इसमें साथ में आपको एक और प्रोडक्ट मिलता है एंड दैट इज मेटाजाइलिन। बिलीव मी, आप में से कोई भी ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता अपने आप जब तक कि आपको डेटा ना दिया जाए। 17%। अब ये सब क्या है, हाउ डू वी गेट दिस मेटाजाइलिन प्रोडक्ट, हमें तो केवल ऑर्थो पैरा मिलना चाहिए था, ठीक। तो सबसे पहली चीज है मैं ऑर्थो और पैरा वाले में ऑर्थो मेजर क्यों बना रहा है वो बता रहा हूँ, फिर मेटा कैसे आया वो बताऊंगा, ध्यान से सुनना कि अच्छा ये जो ऑर्थो और पैरा में है तो CH3 का जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है जिससे फर्दर वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, नॉट ओनली हाइपरकॉन्जुगेशन, इंडक्टिव से जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो बताओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा कहाँ बढ़ाएगा, ऑर्थो पे, मेटा पे या पैरा पे, कहाँ पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा,
कोई बता सकता है? ऑर्थो 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 पोजीशन पे, यानी कि अगर कंबाइंड इफेक्ट देख लेंगे तो ऑर्थो पोजीशन इज द बेस्ट पोजीशन फॉर सब्स्टिट्यूएंट। ये तो प्रॉब्लम ये हो जाता है कि ग्रुप कई बार बल्की हो जाते हैं, तो क्राउडेड पोजीशन होने की वजह से मेटा पे जाता है, नहीं तो ऑर्थो ही उसका मेजर प्रोडक्ट होगा, इसीलिए ये मेजर प्रोडक्ट होगा। क्या सबको ये बात समझ में आई बेटा? ठीक है, देखिए आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू एवरीथिंग, ठीक है, नहीं तो टीचर्स यूजुअली बस लिखा देते हैं, काम हो जाता है। तो आप इसको अच्छे से हर एक पॉइंट लिखिएगा, वरना ये बोलेंगे कि ये तो डेटा है आप इसको रट लो, तो रट के कहां तक रटेंगे आप? नाउ लिसन, ये तो एक्सप्लेन कर दिया। दूसरी चीज, ये जो मैं आपको लिखाता हूँ ना कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, मेटा डायरेक्टर है वगैरह वगैरह, ये काइनेटिक कंट्रोल होता है। इसको क्या बोलते हैं बेटा? काइनेटिक कंट्रोल। याद करो हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म से ये लिखते आ रहे हैं कि काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। तो थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट यू कैन नॉट प्रेडिक्ट थियोरेटिकली, साइंटिफिकली उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट था, टेम्परेचर ज्यादा कम तुम वो भी नहीं बता सकते। तो ये जो एग्जाम्पल मैंने सामने लिखा है ना, जहां पर ये मेटा वाला पोजिशन मिल रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है, ये एक्चुअली बिकॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक कंट्रोल। अगर इसी रिएक्शन को, इफ द सेम रिएक्शन इज कैरीड आउट एट अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, तो ये जो मेटा प्रोडक्ट है ना, ये बनता है करीब करीब 70%, यानी ये मेजर प्रोडक्ट बन जाता है। और दूसरा भी मैं परसेंटेजेस दे देता हूं। तो अब अगर आप पूछेंगे मुझसे कि भाई ये माइनर कैसे हो गया, तो ये काइनेटिक कंट्रोल रहा ही नहीं। इफ देयर इज काइनेटिक कंट्रोल, देन एंड ओनली देन थ्योरेटिकली यू कैन प्रेडिक्ट थिंग्स, अदरवाइज नहीं। ये थर्मोडाइनमिक कंट्रोल हो गया कि तो जो ज्यादा स्टेबल होगा वो एग्जिस्ट करेगा ज्यादा, सिंपल सी बात है। तो इसको भी आप कॉपी कर लेना बेटा, ठीक है ना। तो इसमें ये 2% के आसपास, 2-3% रहता है वो, तो ये आप डेटा कॉपी कर लेना। टेम्परेचर इसमें थोड़ा और बढ़ता है तो ये जो मेजर प्रोडक्ट आपको दिख रहा है ये लगभग 100% बनना शुरू हो जाता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे बेटा कि जो ये मेटा वाला प्रोडक्ट है, मैं इसको सर्कल कर देता हूँ और इसके लिए लिख दूंगा थर्मोडाइनमिक कंट्रोल, या इसको सीधे सीधे टीसीपी लिख देंगे शॉर्ट में ना। और ये जो दोनों लिखे हैं यहाँ पर, इनको क्या लिख देंगे? टीसीपी, ठीक। इसीलिए लो टेम्परेचर पे वो मेजर है और ये हाई टेम्परेचर। एंड ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको तुम केवल एक्सपेरिमेंटली ही, मतलब टेम्परेचर पे ही प्रेडिक्ट कर सकते हो, ये थ्योरेटिकली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। कॉपी कर लो बेटा।
Then, beta, should I remove this? One minute, sir. These are clearly written, beta. The ortho para products are kinetic under kinetic control, and meta product is under thermodynamic control. बिकॉज ये दो महीने बाद तुम फिर से तुम्हारे दिमाग में आएगा कैसे प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो ये डेटा आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. हाँ, ये जो लिखा हुआ है डेटा, इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि चेंजेस क्यों आ रहे हैं. अब इसमें आप लिख लीजिएगा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन इसी तरह से. फ्रीडल क्राफ्ट एसाइल. अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं कि आपको हर रिएक्शन में टीसीपी केसीपी पढ़ना है. जहां पर अपने सिलेबस में नोट्स में चीजें आपको मिलेंगी, बस उतना ही पढ़ना है, उसके अलावा सब जगह नहीं लगा देना है. तो एक्चुअली जहां पर डिफरेंस आता है इस तरह का, वहीं पर हमको ये करने की जरूरत पड़ती है. जैसे अब इसके अलावा हम यहाँ नहीं पढ़ने वाले हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन. कुछ नहीं दिया मतलब केसीपी वाला प्रोडक्ट लिखना है, काइनेटिक कंट्रोल प्रोडक्ट लिखना है, साइंटिफिक प्रोडक्ट लिखना है, कुछ और उसमें दिमाग लगाना ही नहीं है. तो जैसे मान लीजिए ये टोलुइन लिया एंड इसका रिएक्शन तुमने इसके साथ करा लाइक दिस, सो अब आप क्या करोगे इसमें? इसमें भी ऑर्थो पैरा पोजीशन पे जाएगा, लेकिन इसकी खास बात ये है कि ये ग्रुप थोड़ा सा बड़ा ग्रुप है. तो बड़ा ग्रुप होने से कौन सा फैक्टर पिक्चर में आ जाता है बेटा? स्टेरिक फैक्टर, क्राउडिंग फैक्टर. हाँ, तो इस बार जो डेटा भी अवेलेबल है वो यही है कि ये मेजर प्रोडक्ट है, और इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? कि ये ग्रुप बल्की है एंड इसके लिए ये वाला जो पोजीशन है ऑर्थो पोजीशन, वो क्राउडेड हो जाएगा. तो पैरा दैट इज लीस्ट क्राउडेड पोजीशन, देयर इट विल अटैक. ये हो गया, तो ये मेजर है. और ऐसा नहीं कि ऑर्थो वाला नहीं बनेगा, ये माइनर प्रोडक्ट है, ये लिखो. ठीक है, मेटा वाला निग्लिजिबल बनता है, इसलिए इसमें स्टडी नहीं करता. अब इसमें हेडिंग डालिएगा बेटा हेलोजेनेशन. मेनली एक्चुअली मैं आपको डेटा ही देने के लिए सब लिखा रहा हूँ, वरना तो आपको हेलोजेनेशन भी आता है, नाइट्रेशन भी आता है, सल्फोनेशन भी आता है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस भी आते हैं, सब हमने पहले ही पढ़ रखा है. और ऑर्थोपेरा डायरेक्टर होगा या मेटा डायरेक्टर, ये भी अपने को पहले से आता है. लेकिन टोलुइन का कुछ डेटा सिलेबस में है जिसमें क्वेश्चंस पहले भी आ चुके हैं. हेलोजेनेशन ऑफ टोलुइन, तो इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, अपने को ये मालूम है पहले से ही कि टोलुइन जो है CH3 ग्रुप वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है. तो अगर आप Cl2 डालोगे किसी लूज एसिड की प्रेजेंस में, इस बार CH3 पे अटैक नहीं होगा. लास्ट लेक्चर में क्या किया था, यहाँ Cl2 लिखा था, यहाँ क्या लिखा था बेटा? HNU लिखा था.
तो अगर Cl2 है और HNO है तो एल्काइल पोजीशन पे अटैक होगा, बट Cl2 के साथ लुईस एसिड है तो वो कहाँ अटैक होगा, बेंजीन रिंग पे। तो ये हमारा सिंपल इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है। NCS3 इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, तो अगर तुमको प्रोडक्ट लिखना है तो हमको ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे ही ग्रुप लगाना है। अब डेटा क्या कहता है वो भी देख लो, तो इसका जो Cl ऑर्थो पोजीशन पे वो करीब करीब 58% बनता है, इसको बोलते हैं ऑर्थो क्लोरोटोलुइन। और इसका जो पैरा पोजीशन है वो इसको आप लिख सकते हैं पैरा क्लोरोटोलुइन, ये करीब करीब बनता है 42%। तो आप समझ सकते हैं कि मेटा वाला तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर, ये KCP ही अपना डोमिनेटिंग है। लिख लीजिएगा इस पूर्ण इसमें एक और रिएक्शन आप लिख लो फिर आप रेस्ट करो। दैट इज हेलोजिनेशन का ही पार्ट है लेकिन मैं जानबूझ करके उसको अभी लिख रहा हूँ बिकॉज क्लोरीनेशन के साथ भी लिख सकता था। इसकी खास बात ये है कि डेटा इसका कहता है कि इसका जो पैरा पोजिशन है वो मेजर है। तो कोई बोलेगा ऐसा क्यों, तो एक्चुअली में तुम्हें ऑलरेडी मालूम है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला था। अगर तुम कंपेयर करोगे बीआर को और सीएल को तो इन दोनों में से बल्कि कौन है बेटा, बीआर। बीआर इसका मतलब है कि इसका जो डेटा तुम को एक्सप्लेन करना है तो तुम क्या बोलोगे यहाँ पर, तुम बोलोगे कि बीआर इज रिलेटिवली बल्कि एज कंपेयर टू सी Yell, that is why it will attack the least crowded position, that is para position. तो ये चीज आप यहाँ भी हाईलाइट कर लेना बेटा, क्योंकि ये डेटा तुम प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ ये बहुत क्लोज डेटा है, हल्का फुल्का चेंज हो रहा है तो उसका आंसर कैसे तुम, अब डेटा मालूम है अब इसको एक्सप्लेन कैसे करो, तो आप यही बोलोगे कि BR is relatively bulky as compared to CL, that is why it will prefer attack at least crowded position, that is para position, that is why para product is major product. You write this point.
डन सर। जिन्होंने कॉपी के लिए दे कैन ली। बाय सर, थैंक यू सर। ओके, अभी एक दो और लेक्चर होंगे तब बुकलेट आप करना।